हेलो दोस्तों, राधे राधे। बड़ी सुंदर बड़ी प्यारी दिवाली की ड्रेस लेकर आए हैं। ये आपको हम दिखा तो रहे हैं और साथ में ही बनाने का तरीका भी सिखाएंगे। ये तरीका इतना आसान है, इसके लिए आपको ज़्यादा सिलाई या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक नॉर्मल बेस चाहिए, वो आपको मार्केट में मिल जाएगा और उसे अपना थोड़े से सामान जो हम आपको बता देंगे, थोड़े से सामान के साथ आप अपने घर पे डेकोरेट कर सकते हैं। और एक आइडिया और भी है, अगर आपको डेकोरेट करना नहीं आता है या पता नहीं कैसे किया जाता है तो आप मुझे ऑर्डर लगा सकते हैं मेरे दिए हुए नंबर पे, जिसका नंबर है 7060640046। बहुत ही आसान नंबर है और ड्रेस उससे ज़्यादा आसान है। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि कैसे कैसे बनेगा। ये हम आपको एक एक करके बनाना तरीका सिखाएंगे और ये सिखाने में भी बहुत आसान है और बनाने में उससे भी ज़्यादा आसान। थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, ये आप अपने आप बना भी सकते हैं। तो अब हम इसको बनाना शुरू करेंगे। ये पहले आप अच्छे से देख लीजिए, बहुत अच्छे से देख लीजिए कि क्या क्या कहाँ कहाँ क्या क्या लग रहा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, सबसे पहले हम लेते हैं बुकरम, चाहे पेस्टिंग वाली ले सकते हैं चाहे नॉर्मल बुकरम ले सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो हमने इसमें सबसे पहले ग्लू लगा लेते हैं जिससे ये आसानी से इस पे हमारा शनिल पेस्ट हो जाए। चाहे आप इसमें वेलवेट भी ले सकते हैं चाहे शनिल भी ले सकते हैं, क्योंकि ग्लू है तो वो सारा पेस्ट हो जाएगा तो पता भी नहीं चलेगा कहाँ क्या हो रहा है ना। फिर इसके बाद अच्छे से ग्लू को फैला लेते हैं, सॉफ्ट हो जाएगा ग्लू। और ये हमने शनिल लगा लिया, शनिल फैला लिया। जितनी भी ड्रेस आपको बनानी है, ये मैंने 5 नंबर की ड्रेस बना रही हूँ, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि किस साइज़ की ड्रेस बनानी है। ये मैं 5 नंबर की ड्रेस बना रही हूँ, ये देखिए इस तरीके से अच्छे से हम इसको पेस्ट कर लेते हैं चारों तरफ से, जिससे कि ये कुछ भी इधर उधर ख़राब ना हो, भागे ना, और जब हम इस पर डिज़ाइन बनाना शुरू करें तो ऊंचा नीचा ना हो। ये देखिए इस तरीके से ये अच्छे से हमने काट पीट के तैयार कर लिया है। गोल्ड सर्कल हमारा सूख भी गया है, इसके जस्ट बीच में एक सर्कल का मार्क लगा देते हैं। आप बोतल से लगा सकते हैं या किसी भी चीज़ से लगा सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये हमने इस पे मार्क लगा लिया है और इसको हमने इस तरीके से बीच में से कट कर लेते हैं। चाहे ऐसे हम फोल्ड करके भी कर सकते हैं, चाहे हम इसको मार्क लगाकर भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये हमने इसे काट लिया, बीच में से कट कर लिया है, ये देखिए। अब ये बचा एरिया, इस पर हम गोटा लगा लेंगे। हल्की फुल्की आपको सिलाई आती होगी, अगर नहीं आती है तो आप इसको हाथों से भी लगा सकते हैं चाहे कैसे भी। हमने चोली वोली लगा के बिल्कुल फिट कर लिया है, बेस हमारा रेडी है। अब हमको इसको पेस्टिंग करनी है। सबसे पहले हमने चैन ली है, चैन लगा के स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन बनाना। आप एक एक देखते जाइएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा जिससे कि आप ये बना सकें। एक बार ध्यान देने की ज़रूरत है, फिर उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर वीडियो आपने स्किप कर दी तो आपको समझ नहीं आएगा कहाँ पे क्या कैसे लगा है ना। तो इसका ख़ास ध्यान रखिएगा कि प्लीज़ वीडियो स्किप नहीं कीजिए, जिससे कि आप अच्छे से पूरी वीडियो को देख सकें और बना सकें। ये हमने बॉल चैन ली है और ये चोली के बैक साइड से शुरू किया है, फ्रंट आप देख रहे होंगे, चोली के बैक साइड से शुरू किया है हमने। वीडियो बनाना आप लोगों को कैसा लगा बताइए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे कि आपको इस तरीके की वीडियो बहुत जल्दी जल्दी मिलती रहे और मुझे भी बनाने का मौका मिलता रहे। ताकि मैं इस तरीके की और अच्छी अच्छी वीडियो आप तक लाती रहूं और आपको सुंदर सुंदर ड्रेसें दिखाती रहूं। ये हमने पूरे में पहले लगा लिया मोती, इसके बाद हमने फिर से रेड कलर की बॉल चेन लगाई है।
स्किप मत कीजिएगा, अच्छे से वीडियो देखिए। डिज़ाइन बनाने का तरीका भी इसमें आपको दिखता जाएगा। ये हमने शीशे के लिए पॉइंट बनाए हैं। ये छोटे छोटे शीशे मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं। अगर शीशे ना मिलें तो आप अपनी मर्ज़ी से कुछ और भी लगा सकते हैं। अब इस शीशे को हम डेकोरेट करेंगे बॉल चैन से, जो कि ग्रीन कलर के हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे। ये हमारे वॉल चैन लगा के शीशा भी डेकोरेट हो चुका है। अब बचा बाहर का एरिया, जो हम वॉल चैन से डेकोरेट करेंगे। सबसे पहले हमने इसको पीछे वाले एरिया को कंप्लीट किया है। कट हो जा भाई, कटती नहीं है बॉल चैन, थोड़ा लोहे की होती है ना, इसलिए थोड़ा परेशान करती है, लेकिन हो जाता है आराम से। इसके बाद हमने लगाई है स्टोन चैन, मतलब इसको अब हम भारी करेंगे, थोड़ा सा हैवी करेंगे लुक में। ये स्टोन चैन है, ये भी आसानी से आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। और इसके बाद हमने लगा दी एक बार और बॉल चेन, ये लगाने के बाद बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। सेम यही सारी चीज़ें आगे एक दूसरी साइड, एक दूसरी साइड, दोनों साइड हमने इस तरीके से ही रेडी कर दिया। देखिए अब इस शीशे को डेकोरेट कर लेते हैं सेम तरीके से। जो सबसे पहले लगाया था वही सब दोबारा से लगेगा अच्छे से। दिवाली आ रही है, दिवाली की कौन कौन क्या क्या तैयारी कर रहा है कमेंट करके बताएं। मैं तो आपको बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, और आप लोग क्या कर रहे हैं वो भी बताएं। हमने स्टोन चेन लगाई पहले, एक बार और लगाई, यानी कि दो लाइन लगानी है, आपकी अपनी मर्जी, चाहे एक ही लगाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ये हमारी बॉल चैन, स्टोन चैन, शीशे सब कुछ लगा के रेडी हो चुकी है ड्रेस। आप देख रहे होगे ड्रेस का लुक आना शुरू हो चुका है, और ये ड्रेस सुंदर लग रही है। मुझे तो सुंदर लग रही है, और किस किस को सुंदर लग रही है बताइएगा। अब ये एरिया जो खाली है, अब हम इसको डेकोरेट करेंगे, यानी कि बाहर के बॉर्डर को भी हमें डेकोरेट करना है। ये हमने स्टोन चैन ली, सॉरी बॉल चैन ली है सबसे पहले। ये देखिए बॉल चैन, स्टोन और फिर बॉल चैन, इस तरीके से ये हमने कंप्लीट पूरा सर्कल बनाया है। अब हमने आगे का तैयारी करनी है, यानी कि ये जो लुक है ये हैवी नहीं है, तो इसे हल्के को हैवी करना है। जिससे कि ड्रेस का लुक हैवी आ जाए, कि ये बहुत हैवी है,
क्योंकि दिवाली की है तो वैसे भी हैवी ही जानी है। ये देखिए इसी तरीके से जो हमने सर्कल अंदर बनाया था यही सर्कल हम बाहर बना लेंगे। ये हम दो सर्कल बना चुके हैं, अब ये हमारी बारी है दूसरे की, तीसरे की। मैंने ये येलो कलर में बनाया है, इसलिए बनाया है क्योंकि दिवाली पे ज़्यादातर रेड येलो पिंक मतलब डार्क शेड ज़्यादा अच्छा लगता है, ताकि उस पर जब लाइट पड़े तो ये और उभर के आए ड्रेसें। ये देखिए हमने इस तरीके से पूरी ड्रेस डेकोरेट कर दी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे कि आने वाली आपकी वीडियो मेरी वीडियो आप तक पहुँचती रहे और दूसरों को भी दिखाते रहिए कि किस किस को ये ड्रेस कैसे कैसे बनानी अच्छी लगी। कमेंट ज़रूर कीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों को ये ड्रेस अच्छी लगी और मुझे अच्छी अच्छी ड्रेसें बनानी चाहिए। ये हमारी ड्रेस का फुल लुक है। जिसे नहीं बनानी तो वो मेरे नंबर पे ऑर्डर लगा सकता है, मैं आपको नंबर दे दूँगी, मैसेज उसमें लिख लीजिएगा। तो आप मुझे कभी भी कॉल करके मैसेज करके बता सकते हैं कि आपको ये ड्रेस चाहिए। स्क्रीनशॉट ज़रूर दीजिएगा ताकि मुझे पता रहे कि आपको कौन सी ड्रेस चाहिए, क्योंकि इसके अलावा और भी बहुत सारी ड्रेसें हैं। लोग फ़ोटो भेज देते हैं, फ़ोटो नहीं भेजते हैं लेकिन कमेंट करते हैं कि ड्रेस चाहिए। चलिए मिलते हैं आगे, राधे राधे।